आज बेटी ने गोल्ड जीता है, कितनी खुशी का माहौल है और क्या कहना है इस मौके पर आपका? देखो जी, बहुत खुशी का माहौल है, बेटी ने मेडल जीता है और मुझे क्या, पूरे गांव को खुशी है और देश का नाम रोशन करा है। और मैं तो यही चाहूंगी कि बिटिया आगे भी ऐसी खेलती रहे, और चाहूंगी जो बच्चे खेल रहे हैं वे भी अपना ऐसी पारुल को देख देख के उन्हें भी कुछ वो हो, वे भी नाम रोशन करें। क्या गांव के लोग आ रहे हैं, कितना बधाइयों का तांता लगा है। हाँ जी, बधाइयों का तांता लगा है, पूरे मतलब गांव के बहुत लोग आ रहे हैं खुशी जोश में, खुशी के माहौल में। उम्मीद थी हाँ जी, अपने मन से तो उम्मीद थी कि बिटिया मेडल लाएगी, वो तो मैं आपसे पहले भी बोल रही थी अब क्या लगता है कि ओलंपिक में अपना है? जी। अब ओलंपिक का सपना है, मेरी बिटिया का भी यही सपना था कि मम्मी मैं एशियन और ओलंपिक में खेल। एशिया का तो सपना पूरा हो गया, जी ओलंपिक का भी भगवान से दुआ बस है जी, पूरा। भगवान से दुआ करेंगे, भगवान के हाथ बात है। अच्छा, गेम से पहले बेटी से आपकी बात हुई थी, तो बेटी ने क्या कहा और कैसे आपने बेटी का हौसला बढ़ाया? मैंने बढ़ाया, मैं कहा बेटे जैसे मतलब आप खेल रहे हो, मैं कहा बेटे मेहनत करो, अच्छा खाओ, अच्छा वो करो, मेहनत करो, और मैं कहा बेटे अपना नाम रोशन करो, इसमें गांव का भी नाम है। कह रही मम्मी मैं गांव का नाम रोशन करूंगी, जितनी मेरे में वो है उतना करूंगी मैं गांव का। किशन पाल जी, आज कितना खुशी का माहौल है और क्या कहना है देशवासियों को और अपनी बेटी को? पहले तो आप सबको मेरी नमस्कार। बड़ी खुशी का माहौल है, इकलौता का नाम रोशन करा, देश का नाम रोशन करा। आप लोगों का, मेरा सौभाग्य मेरे यहाँ आए, मुझे बहुत खुशी है और पूरे गांव को खुशी है। हाँ, पिछली बार आया था तो आपको बहुत उम्मीदें थी कि बेटी गोल्ड गोल्ड लाएगी। लाएगी तो मुझे बहुत बड़ी खुशी है और सबसे बड़ी खुशी आप लोगों को देखकर होगी कि मुझे ऐसा मौका मिला कि मुझे आपके सामने की दो बात कहने का। कितनी बड़ी खुशी है और कितना बड़ा फख्र की बात है कि बेटी ने आज पूरे गांव में, आपको लोग आ रहे हैं, पूरा तांता लगा हुआ है यहाँ। और साहब, इस खुशी को कुछ कह नहीं सकता मैं, बहुत बड़ी खुशी है। अब क्या उम्मीदें हैं अपनी बेटी को? अब ये उम्मीद है जी, शायद बेटी ओलंपिक में भी मेडल लावा। बेटी ने अभी कहा कि वो पुलिस की नौकरी ज्वाइन करेगी आने के बाद, अपनी माता जी से बात कर रही हाँ, डीएसपी की जी घोषणा हुई थी, हूँ। जो पेपर में आई थी कि जो गोल्ड मेडल लाएगा वो डीएसपी बनेगी। तो अब बेटी की भावना है कि मैं मोदी सरकार की, अपने मुख्यमंत्री योगी जी की बात मान लूँ। डीएसपी बन जाएगी बेटी। बाबा वे तो जाना जी प्रशासन कहते हैं बेटी पिता के सबसे ज्यादा करीब होती है, जी। तो बचपन से क्या सोचा था बेटी के फ्यूचर को लेकर, क्या सपना था बेटी को बनाने का, और आज बेटी पुलिस में जाना चाह रही है, तो कैसे उसको सहयोग करेंगे? बस ये सपना तो ये होता, जब हम यो बेटी दौड़क रहती तो लोग हमें नो कहते, इसकी लड़की बनेगी है मिनिस्टर, इसकी लड़की नो बनेगी है, दौड़ा रहे सड़क पर, दौड़ रही स्टेडियम भेज रहे। आज वही बेटी जी जब देश का नाम रोशन कर रहा है और गांव का नाम रोशन कर रहा है। आज बेटी से, बेटी के नाम से पहचान हो रही है। आज बेटी के नाम से पहचान है जी, मेरठ की उड़न परी पाल चौधरी, आज इस बेटी ने छोटे से गांव का नाम रोशन कर रहा। कितना गर्व होता है जब बेटी के नाम से जाना जाते हैं। बहुत बड़ा गर्व हो जी, बस खुशी का ठिकाना नहीं है। और वो भी दो दो मेडल साहब, हाँ जी, दो दो मेडल गोल्ड, दो मेडल सिल्वर और गोल्ड। तो साहब माँ बाप की आत्मा जाना ही हूँ, खुशी तो है ही। राहुल जी, क्या कहना है बहन की कामयाबी? बस जी, आज तो कहना क्या, आज तो कुछ कहने का बचा ही नहीं, उसने सब कुछ वो कर दिया, आज नहीं कुछ कहने का बचा। आज तो पूरे गांव का क्या, पूरे देश का ही उसने नाम रोशन कर दिया जी। घर में कैसा माहौल है? और घर में बहुत खुशी का माहौल है जी, गांव में बहुत खुशी का माहौल है, बहुत ज्यादा खुशी का माहौल है। और जब इसे ही शुभकामनाओं वालों की और मिठाई वालों की वो है जी, और लगातार वो चल रहा है। अब क्या तैयारी करनी है उसके साथ में? आप जी उसका जो कह रहे हैं वो वेलकम करना है, वो 7 में 8 में आएगी तो जब उसका वेलकम के लिए वो करेंगे, ओलंपिक के लिए वो तैयारी अच्छा, करेंगे। पुलिस में जाने के लिए लिए उसने कहा है कि वो डीएसपी पर, वो शायद वो ही जाने कहाँ जाएगी, वो हमसे ज्यादा जानती है। भैया बचपन में जी कभी ना कभी शरारतों को लेकर शिकायतें आती थी, जी वही गांव वाले यहाँ बैठे हो तो कैसा लग रहा है, क्या फख्र महसूस कर रहे हैं? आज ये लफ्जों में बयान नहीं हो सकता, हमें इतना फख्र है, इतना हुआ है कि हम लफ्जों में बयान नहीं कर सकते, इतनी हमें खुशी है आज। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम पूजा है। पूजा जी, ननंद ही है जी। आज जो बहुत बड़ा मौका मिला है गोल्ड, क्या कहना है इस पर, किस तरीके से आपने उनके साथ में सहयोग किया?
सर ये कहना चाहती हूँ, उनका सहयोग हमारा तो उनके साथ है, सहयोग हम शुरू से सब सहयोग करते हैं, लेकिन जैसे उन्होंने कच्चे रास्तों से अपनी जर्नी शुरू की और इतनी मेहनत की, कच्चे रास्तों पे की, फिर धीरे धीरे वो अपना स्टेडियम जाने लगी, बहुत मेहनत की, इतनी मेहनत की है कि आज वो अपनी मंजिल के बहुत करीब है और वो ओलंपिक जाना चाहती है, उनका सपना है वो भी पूरा होगा और हमारे सबकी दुआ उनके साथ है। मैंने भी देखा वो अपनी माता जी से कह रहे थे जी, अब उनको DSP की पोस्ट मिलेगी, जो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, हम सबके लिए बहुत फख्र की बात है। क्या माने? बहुत गर्व की बात है। क्या माने? दिवाली से पहले दीपावली बनाई जा रही है। जी जी बिल्कुल, दीपावली बनाई जा रही है, पूरे गांव में बहुत खुशी का माहौल है, मिठाइयां बट रही हैं, सब लोग आ रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, आज उनके नाम से हमें जाना जा रहा है। दिवाली का माहौल है। जी जी बिल्कुल, दिवाली का माहौल है, गाँव में भी घर में भी बहुत अच्छा माहौल है। क्या नाम है आपका? मैक्सिम। मैक्सिम जी, किस तरीके से बेटी ने आज गांव का जो नाम है वो रोशन किया है और गांव के लिए कितने फख्र की बात है? आज फख्र की तो बात पूछो मत ना, आज कितना खुशी है हमारे मन में, ये तो हमारे मन को पता है कि हम कितने खुश हैं और हमें इतनी खुशी है कि उन्होंने इतना नाम रोशन किया कि हमें उम्मीद नहीं, उम्मीद से ज्यादा है। अच्छा, जब यही है कि हमारा गाँव बेचारी अपना गोल्ड मेडल ओलंपिक का ले ले, फिर देखते हैं कितनी खुशी हमारे मन को होगी और कितनी हम कर पाऊंगे। अच्छा, बिटिया लौट के आ रही है तो कैसे स्वागत करेंगे? स्वागत बात पूछो मत ना, कैसा होगा वो तो टाइम बताएगा, वो बहुत ज्यादा खुशी से स्वागत होगा। क्या नाम है आपका? सूरजपाल पूर प्रमुख ब्लॉक द्वारा गाँव के लोग। सूरजपाल जी, क्या कहना है बेटी के बारे में? आज गाँव को एकदम हिंदुस्तान में सुर्खियों में आ गया। गाँव वालों का तो आज खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं, पूरे देश का को गौरवान्वित कर दिया है और हमारा तो मन पूरा गदगद हो रहा है। कल से जो है पूरा गांव अपने जो है उसमें है आनंद में, जो कल सिल्वर आया था आज गोल्ड आया, आज गोल्ड आया, कल ही हम कह रहे थे कि भाई कल को गोल्ड आएगा 100% पूरी उम्मीद उम्मीद के साथ। जो बेटी ने कहा है जो DSP बनेगी, हाँ वो तो उनका आने के बाद उनका अपना निर्णय है, उन्हें जो भी अच्छा लगेगा। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी थी कि आप जो है DSP के लिए हम आपके लिए जो है नौकरी देंगे। क्या तैयारियां हैं उसके आने की? आने की तैयारियां है जो वो संभवतः 7 तारीख में 8 में तो उनको हम हवाई पट्टी यहाँ से जो है प्रतापपुर जो है बाईपास से और ढोल नगाड़ों के साथ में और अस्तबाजी के साथ में भव्य और दिव्य स्वागत करेंगे।